खुले आसमान और धरती पर राज करने वाले दो शिकारी पक्षी, जिनके खौफ का साया जमीन पर रहने वाले छोटे जीवों के ऊपर हमेशा ही मंडराता रहता है। इनमें से एक तो दिन के उजाले में अपने शिकार को अंजाम देता है, तो वही दूसरा रात के अंधेरे में शिकार की ताक में निकलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेहद ही शातिर और ताकतवर शिकारी पक्षी ईगल और आउल की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब ये दोनों शिकारी पक्षी आपस में भिड़ेंगे तो उसका अंजाम क्या होगा? तो आइए आज के हमारे इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों पक्षी कितने खतरनाक होते हैं, ये कैसे शिकार करते हैं और क्या होगा जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे। बस आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, ये वीडियो काफी अमेजिंग होने वाली है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि उल्लू और ईगल एक दूसरे की जान के दुश्मन होते हैं। इनकी दुश्मनी इतनी पुरानी है कि कई सालों से यूं ही चली आ रही है। लेकिन ये दोनों पक्षी क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं और अगर ये दोनों आपस में भिड़ जाए तो इसका अंजाम क्या होगा? ये समझने से पहले आइए हम जानने की कोशिश करते हैं इन दोनों पक्षियों से जुड़े कुछ फैक्ट्स की, इनकी ताकत और हंटिंग स्किल्स के बारे में। अगर हम बात करें आउल की, तो ये पक्षी रात के शहंशाह माने जाते हैं क्योंकि ये रात के समय में ही शिकार करना पसंद करते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है इनकी कमाल की नाइट विजन पावर, जिसके आधार पर ये काली अंधेरी रात में भी बड़ी ही आसानी से सब कुछ साफ साफ देखने की काबिलियत रखते हैं। हालांकि उन उल्लुओं की कुछ प्रजातियां शाम के समय में भी और कभी कभी दिन के उजाले में भी शिकार करती हुई पाई गई है, लेकिन उल्लुओं की ज्यादातर प्रजातियां रात के अंधेरे में ही अपने शिकार की तलाश में उड़ान भरती है। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जब ये उड़ रहे होते हैं तो बिल्कुल भी आवाज नहीं करते। इन शिकारी पक्षियों की ये काबिलियत इनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इनकी साइलेंट उड़ान की वजह से इनके शिकार को ये पता तक नहीं चल पाता कि उसका शिकार होने वाला है। इसके साथ ही इनकी सुनने की क्षमता बहुत ही जबरदस्त होती है। दरअसल इनके कान एक दूसरे से थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, यानी इनका दाहिना कान बाएं कान से थोड़ा ऊपर होता है। इतना ही नहीं, उड़ने के दौरान इनके कान पूरी तरह से पंखों से ढके होते हैं, जिसकी वजह से सनसनाती हवा की आवाज भी इनके ध्यान में भटकाव पैदा नहीं कर पाती। हालांकि उल्लू ज्यादा ऊंची उड़ान भरने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन ये काफी तेजी से उड़ने में माहिर होते हैं। इतना ही नहीं, इनके तेज पंजे और नुकीली चोंच इन्हें बेहद ही खतरनाक शिकारियों में से एक बनाती है। इसके साथ ही दिखने में बेहद ही क्यूट लगने वाले इन उल्लुओं का दिमाग भी बहुत ही तेज होता है, जिसकी वजह से ये कोई भी चीज बहुत ही जल्दी और बड़ी ही आसानी से सीख जाते हैं। अब अगर बात करें उल्लुओं की हंटिंग स्किल्स के बारे में, तो इस धरती पर पाए जाने वाले लगभग सभी उल्लुओं की हंटिंग स्टाइल लगभग एक ही तरह की होती है। उल्लू सारा दिन अपने घोंसले या फिर किसी खोखले पेड़ में आराम फरमाते नजर आते हैं, मगर जैसे ही शाम होती है और काली अंधेरी रात अपने पैर पसारने लगती है, उल्लुओं के शिकार का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। शिकार के दौरान ये अपनी सारी खूबियों का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले ये चुपचाप पेड़ की टहनी पर बैठे बैठे अपने शिकार के ऊपर घात लगाते हैं। अपने कमाल के नाइट विजन के चलते अपने चारों ओर की हरकतों पर अपनी पैनी निगाह जमाए रखते हैं, तो वही इनकी सुनने की क्षमता इन्हें अपने आसपास की झाड़ियों में हो रही छोटी से छोटी हरकत को भी सुनने में बड़ी मदद करती है। इसके बाद ये बिना कोई आवाज किए शिकार पर अटैक करने के लिए उड़ान पर निकल पड़ते हैं। और जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इनकी उड़ान इतनी साइलेंट होती है कि शिकार को इनके आने की भनक तक नहीं लग पाती, और इसी बात का फायदा उठाकर ये उल्लू अपने शिकार को दबोच लेते हैं और पलक झपकते ही शिकार का गेम ओवर हो जाता है। ये उल्लू अक्सर चूहे, खरगोश जैसे छोटे जानवरों के साथ साथ छोटे कीड़े मकोड़ों को भी अपना शिकार बनाते हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो उल्लुओं के अंदर वो सारी विशेषताएं होती है जो किसी खतरनाक और काबिल शिकारी पक्षी के पास होनी चाहिए। ईगल। वही अगर बात करें ईगल्स की, तो पक्षियों के राजा कहे जाने वाले ये ईगल फूड चेन में टॉप के शिकारी माने जाते हैं, क्योंकि जहां एक ओर ये आसमान में अपनी दहशत के दम पर राज करते हैं, वहीं दूसरी ओर जमीन पर भी शिकार के मामले में ये काफी माहिर होते हैं। इनके अंदर कई ऐसी खासियतें हैं जो इन्हें बेहद ही खतरनाक शिकारी पक्षियों में से एक बनाती है। खुले आसमान में काफी ऊंचाई पर और बहुत ही तेजी से उड़ने की क्षमता रखने वाले ये ईगल यकीनन एक राजा की तरह का ही रुतबा रखते हैं। इसकी पैनी निगाहों का तो कोई जवाब ही नहीं। ये कई फीट ऊंचाई से भी जमीन पर रेंगने वाले कई तरह के छोटे जीवों और यहाँ तक कि छोटे कीड़े मकोड़ों को भी बड़ी ही आसानी से देख लेते हैं और पलक झपकते ही उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं।
जब ये अपने बेहद ही मजबूत पंजे और नुकीले चोंच के दम से अपने शिकार के ऊपर अटैक करते हैं तो इसका बचना बिल्कुल ही असंभव हो जाता है। इसके साथ ही इनका दिमाग काफी तेज होता है, जिसकी वजह से इन्हें अपने शिकार को पहचानने और सही समय पर उस पर अटैक करने में काफी मदद मिलती है। और अगर बात करें ईगल्स की हंटिंग स्किल्स के बारे में, तो ये भी लगभग उल्लुओं की तरह ही अपने शिकार को अंजाम देते हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है कि ये उल्लुओं की तरह रात के बजाय दिन के उजाले में शिकार करना पसंद करते हैं। लेकिन दिन के उजाले में जमीन पर रेंगने वाले कई छोटे जीव इन ईगल्स को बड़े ही आसानी से देख लेते हैं। यही कारण है कि ये आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ते रहते हैं, और जैसे ही इनकी नजर अपने शिकार के ऊपर पड़ती है, ये बिजली की रफ्तार से अपने शिकार के ऊपर टूट पड़ते हैं। इनकी अटैक करने की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज होती है कि इनके शिकार को भनक तक नहीं लग पाती कि उनकी जान जाने वाली है। ईगल्स वैसे तो कई तरह के छोटे मोटे जीवों और कीड़े मकोड़ों को अपना शिकार बनाते हैं, लेकिन कई बार ये अपने पंजों के दम पर अपने वजन से भी ज्यादा वजन वाले जीवों का शिकार कर लेते हैं, जिनमें बंदर, सांप और तेंदुए जैसे ताकतवर शिकारी जानवरों के बच्चे भी शामिल है। ऐसे में कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो इन सारी खूबियों की वजह से ये ईगल्स परफेक्ट शिकारी पक्षियों में से एक होते हैं। दोस्तों, ये तो हुए ईगल और आउल से जुड़े कुछ फैक्ट्स, उनकी ताकत और हंटिंग स्किल्स। अब आइए जरा ये जानने की कोशिश करते हैं कि बेहद ही ताकतवर और खतरनाक ये दोनों शिकारी पक्षी आखिर एक दूसरे के जानी दुश्मन क्यों होते हैं। हम आपको बताते चले कि इन दोनों की हमेशा से चलती आ रही ये लड़ाई समय के साथ साथ और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसके पीछे का कारण इनके नेचुरल हैबिटेट में कमी को माना जा रहा है, जहाँ ये सारे पक्षी रहते हैं। हम इंसानों ने उन ठिकानों को धीरे धीरे बर्बाद कर डाला है, और इनका होने आवाज लगातार सिमटता जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें एक सीमित इलाकों में ही अपना शिकार ढूंढना पड़ता है। यही कारण है कि इनमें आपसी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, और साथ ही दुश्मनी भी। इन दोनों शिकारी पक्षियों के बीच की आपसी दुश्मनी का एक कारण ये भी है कि ये दोनों पक्षी एक ही तरह के भोजन पर निर्भर करते हैं। अब ऐसे में एक बात तो तय है कि इनके बीच भोजन को लेकर घमासान तो होगा ही। उल्लू और ईगल दोनों ही अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली और अपनी अपनी जगह पर बहुत ही शातिर शिकारी है। बात जब इन दोनों के बीच दुश्मनी की होती है, तो ये दोनों एक से बढ़कर एक दाव पेच अपनाकर एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, ये दोनों पक्षी एक दूसरे के ऊपर अटैक तो करते ही है, इसके साथ ही इन्हें जब भी मौका मिलता है, ये एक दूसरे के घोंसले और बच्चों के ऊपर भी हमला करने से परहेज नहीं करते हैं। यही कारण है कि ये दोनों पक्षी एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। अब जरा बात करते हैं अपनी ताकत और खतरनाक हंटिंग स्किल्स के दम पर आसमान से लेकर जमीन तक दहशत फैलाने वाले दिन के सरताज ईगल और अंधेरी रात के बादशाह आउल के बीच की टक्कर की। आपको बताते चले कि इन दोनों के बीच लड़ाई का अंजाम क्या होगा। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये लड़ाई दिन के उजाले में होती है या रात के अंधेरे में। अगर ये लड़ाई दिन के उजाले में होती है, तो इसमें ईगल के सिर पर जीत का सेहरा चढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ईगल एक बहुत ही तेज और दूरदर्शी शिकारी माना जाता है। भाई, इनके पंजे में इतनी ताकत होती है कि ये उड़ते हुए भी बड़ी ही आसानी से अटैक कर सकते हैं। ऐसे में ये एक बार से ही उल्लू को बुरी तरह से घायल करने की क्षमता रखते हैं। इतना ही नहीं, ईगल की उड़ने की स्पीड के साथ साथ वजन और लंबाई भी उल्लू की तुलना में कहीं अधिक होती है। यही कारण है कि ये लड़ाई अगर दिन के समय होती है, तो ऐसे में ईगल के जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। हालांकि उल्लू रात के शिकारी होते हैं, और दिन में ये बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होते, इसलिए रात में उल्लुओं के लिए ईगल पर हमला करना ज्यादा आसान हो जाता है, और फिर ईगल को रात के अंधेरे में साफ साफ दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से ये आउल का बाल भी बाका नहीं कर सकते। यही कारण है कि अगर ये लड़ाई रात के अंधेरे में होती है, तो आउल के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तो हुई हमारी बात। इस बारे में अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, साथ ही ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।